हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज की वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी जीरो नंबर के लड्डू गोपाल जी के लिए ड्रेस बनाकर बहुत ही आसान तरीके से। तो देखिए, इस ड्रेस के लिए मेरे एक सब्सक्राइबर की रिक्वेस्ट आई थी। तो देखिए, आपकी रिक्वेस्ट के ऊपर मैं वीडियो बना रही हूँ। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आए। आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक कीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। तो चलिए अब ड्रेस बनाना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 3 फैब्रिक के पीसेस कट कर लिए हैं। अब देखिए, यहाँ पर ये जो छोटे वाले पीस है इससे मैं चोली तैयार करूंगी, और देखिए ये जो बड़ा वाला पीस है हमारे फैब्रिक का, इसे हम नीचे का घेरा तैयार करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ये जो छोटे वाले पीस है इसकी लंबाई है 3.5 इंच और इसकी चौड़ाई है 2.5 इंच। ठीक है, दोनों पीस की लंबाई और चौड़ाई सेम ही है। और देखिए, ये जो बड़ा वाला पीस है इसकी लंबाई है 22.5 इंच और इसकी चौड़ाई है 3 इंच। और देखिए फ्रेंड्स, ये जो हमारा बॉटम पार्ट है इसकी तैयार चौड़ाई मुझे यहाँ पर 2 इंच की चाहिए, और जैसा कि मैंने आपको बोला मैंने इसकी चौड़ाई 3 इंच की ली है। तो 1 इंच हमारा स्टिचिंग में जाएगा, तो तैयार चौड़ाई हमारी 2 इंच की ही बन जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से हमने कपड़े की कटिंग कर ली है। अब हम स्टिचिंग करेंगे। तो स्टिचिंग में सबसे पहले यहाँ पर मैं चोली का पार्ट तैयार करूंगी। तो चलिए अब स्टिचिंग कर लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब चोली तैयार कर लेंगे। तो देखिए, इस तरह से मैंने फैब्रिक के पीसेस को लिया है। अब यहाँ पर आपको फैब्रिक के पीस को इस तरह से फोल्ड करना है। अब देखिए, यहाँ पर आपको फैब्रिक को सीधी साइड प्लेस करना है। ये हमारे फैब्रिक की सीधी साइड है और ये उल्टी साइड है। फैब्रिक की सीधी साइड इस तरह से अंदर की ओर जाएगी। अब देखिए, इस तरह से फोल्ड करेंगे और यहाँ से हम स्टिच लगाएंगे और फिर इसे सीधी साइड कर लेंगे। ठीक है, दोनों पार्ट में आपको इसी तरह से स्टिच लगानी है और फिर फैब्रिक को सीधी साइड कर लेना है। तो चलिए अब यहाँ से स्टिच लगा लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से दोनों पार्ट में हमने साइड से स्टिच लगा ली है। अब देखिए, ज्यादा इस साइड मैंने नहीं ली स्टिच को। देखिए, इस तरह से पास पास से ही मैंने स्टिच लगा ली है। अब मैं इसे सीधी साइड कर लूंगी। इस तरह से देखिए, सिंपली हम इसे सीधी साइड निकाल लेंगे। तो देखिए, इस तरह से दोनों पार्ट को मैंने सीधी साइड कर लिया है। देखिए, इस तरह से हमारी फिनिशिंग आ चुकी है। अब हम इन दोनों को एक दूसरे के साथ अटैच करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए, एक पार्ट को दूसरे पार्ट के ऊपर इस तरह से प्लेस करेंगे। तो देखिए, इस तरह से मैंने इसे हल्का सा ही प्लेस किया है। तो देखिए, इस तरह से प्लेस करने के बाद देखिए, मैं इस तरह से यहाँ पर स्टिच लगाऊंगी नीचे की ओर 1 इंच तक। तो चलिए अब स्टिच लगा लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने यहाँ तक स्टिच लगा ली है। अब देखिए, स्टिच लगाने के बाद ये जो हमारा ऊपर का फैब्रिक है हमें इस तरह से उठाना है और देखिए इस तरह से इसे प्लेस करना है। ठीक है, इस तरह से प्लेस करेंगे और दूसरी साइड का भी फैब्रिक हमें सेम इसी तरह से प्लेस करना है। देखिए, इस तरह से फोल्ड करने के बाद देखिए, अब हमें साइड से स्टिच लगानी है। अब देखिए, यहाँ से ऊपर की ओर हम 1 इंच तक स्टिच लगाएंगे। ठीक है, देखिए, यहाँ पर हमें पूरा नहीं सिलना, यहाँ पर हमें थोड़ा सा पार्ट ओपन ही रखना है, क्योंकि यहाँ से हमारे लड्डू गोपाल जी के हाथ जाएंगे। ठीक है, तो देखिए, इस तरह से आपको इसलिए यहाँ पर ऊपर की ओर 1 इंच तक ही इसे स्टिच लगानी है। देखिए, दोनों साइड से इसी तरह से हम नीचे से ऊपर की ओर 1 इंच तक स्टिच लगाएंगे। तो चलिए अब स्टिच लगा लेते हैं। तो देखिए, इस तरह से मैंने दोनों साइड से स्टिच लगा ली है। अब मैं इसे सीधी साइड कर लूंगी। तो देखिए, इस तरह से हमें इसे सीधी साइड कर लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने इसे सीधी साइड कर लिया है और देखिए, इस तरह से हमारी चोली बनकर बिल्कुल तैयार है। अब हम इसे साइड में रख देंगे और नीचे का घेरा तैयार करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब बॉटम पार्ट तैयार कर लेते हैं। तो देखिए, इस तरह से मैंने फैब्रिक के पीस को ले लिया है। अब सबसे पहले यहाँ पर हम इसे नीचे की साइड फिनिशिंग देंगे। ठीक है, अब देखिए, यहाँ पर हमारे फैब्रिक की उल्टी साइड है और ये सीधी साइड है। तो आपको फैब्रिक को उल्टी साइड प्लेस करना है और सबसे पहले देखिए, इस तरह से फैब्रिक को डबल फोल्ड कीजिए नीचे की साइड इस तरह से, और फिर स्टिच लगाते हुए इसे फिनिशिंग दे दीजिए। तो चलिए अब यहाँ पर स्टिच लगा लेते हैं। तो देखिए, इस तरह से मैंने नीचे के साइड इसे फिनिशिंग दे दी है। अब देखिए, नीचे के साइड फिनिशिंग देने के बाद यहाँ पर मैं लेस लगाने वाली हूँ। देखिए इस तरह से, ठीक है, यहाँ पर लेस लगाना ऑप्शनल है, आप चाहे तो इसे अवॉइड भी कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, इस तरह से मैं नीचे के साइड लेस को प्लेस करूंगी और देखिए, यहाँ से स्टिच लगाते हुए इसे पक्का करूंगी हमारे फैब्रिक के साथ। तो चलिए अब स्टिच लगा लेते हैं। तो देखिए, इस तरह से मैंने नीचे के साइड लेस लगा ली है। देखिए, इस तरह से पूरे फैब्रिक के ऊपर। अब यहाँ पर हम दोनों साइड से इसे फिनिशिंग देंगे। तो देखिए, इसे फिनिशिंग देने के लिए हमें क्या करना है, सिंपली यहाँ पर कपड़े को आपको सीधी साइड ही प्लेस करना है। सीधी साइड प्लेस करने के बाद देखिए, इस तरह से एक बार कपड़े को फोल्ड कीजिए। तो देखिए, इस तरह से सीधी साइड ही मैंने कपड़े को फोल्ड किया है। देखिए, इस तरह से फोल्ड करने के बाद यहाँ पर हम लेस लेंगे और देखिए, इस तरह से लेस को इसके ऊपर प्लेस करेंगे और देखिए, यहाँ से स्टिच लगाते हुए इसे हम फिनिशिंग देंगे।
अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर आप लेस नहीं लगाते तो सिंपली आप कपड़े को इस तरह से उल्टी साइड प्लेस कीजिए और यहाँ पर डबल फोल्ड करते हुए कपड़े को आप फिनिशिंग दीजिए, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर नीचे की साइड मैंने कपड़े के ऊपर लेस लगाई हुई है, तो यहाँ पर मेरा कपड़ा थिक हो चुका है, तो यहाँ पर स्टिच नहीं बैठेगी डबल फोल्ड करते हुए, इसीलिए मैं इसे सीधी साइड कर लूंगी। देखिए इस तरह से एक बार फोल्ड करूंगी और फिर इसके ऊपर इस तरह से लेस रखते हुए मैं यहाँ पर फिनिशिंग दूंगी, ठीक है। तो चलिए आप स्टिच लगा लेते हैं। तो देखिए इस तरह से दोनों साइड मैंने लेस लगा ली है और इसे मैंने इस तरह से फिनिशिंग दे दी है, देखिए इस तरह से। तो चलिए अब हम इसमें प्लीट्स डाल लेंगे। तो देखिए यहाँ पर कपड़े को आपको सीधी साइड ही प्लेस करना है। सीधी साइड प्लेस करने के बाद देखिए इस तरह से हम कपड़े को ऊपर से भी उठाएंगे और नीचे से भी उठाएंगे, देखिए इस तरह से। और देखिए इस तरह से हम इसे प्लेस करेंगे, तो देखिए ये हमारी प्लीट बन जाएगी, देखिए इस तरह से। इसी तरह से यहाँ पर आपको छोटी छोटी प्लीट्स लगा लेनी है, ठीक है, इस तरह से देखिए। तो चलिए अब यहाँ पर स्टिच लगा लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से पूरे फैब्रिक के ऊपर मैंने प्लीट्स डाल ली है और देखिए प्लीट्स डालने के बाद कुछ इस तरह से दिखेगा हमारा फैब्रिक। अब देखिए फ्रेंड्स, प्लीट्स डालने के बाद आपको बॉटम पार्ट का घेरा उतना ही रखना है जितना कि आपके टॉप पार्ट का ये नीचे का घेरा है, ठीक है। एक बार दोनों बराबर आ जाएंगे तो हमें एक दूसरे के साथ इन्हें अटैच करना है। तो देखिए इन्हें एक दूसरे के साथ किस तरह से अटैच करेंगे, तो देखिए इस तरह से सबसे पहले हम इसे यहाँ पर पिन से सिक्योर करेंगे, दोनों को इस तरह से नीचे की साइड इस तरह से पकड़ते हुए पिन से सिक्योर करना है और फिर इसके ऊपर स्टिच लगानी है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर मैं इसे पिन से सिक्योर कर लूंगी। तो देखिए इस तरह से मैंने इसे नीचे की साइड पिन से सिक्योर किया है, तो चलिए अब स्टिच लगा लेते हैं। तो देखिए इस तरह से मैंने टॉप पार्ट को बॉटम पार्ट के साथ अटैच कर लिया है और इस तरह से हमारा ड्रेस बनकर तैयार है। ये बहुत ही अच्छा बन के आया है और इसे बनाने का बहुत ही आसान तरीका मैंने आपके साथ शेयर किया है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।